क्या आप भी रेगुलर केक और पेस्ट्री खा खा के बोर हो चुके हैं? क्या आपको भी कुछ खाना है यूनिक, जिसका टेस्ट ऐसा हो जिसे एक बार खा ले तो बार बार खाने का मन करे? तो आज मैं ऐसी ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, चॉकलेट पुडिंग केक की। इसे एक बार अगर आप खा लेंगे ना तो बार बार खाने का मन करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चॉकलेट पुडिंग केक बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कप या मग लीजिए, उसे फिक्स कर लीजिए और उसके हिसाब से आप सारे मेजरमेंट्स लीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक बाउल में आधा कप ऑयल डालेंगे और इसी में हम डालेंगे एक कप पिसी हुई शक्कर। और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये दोनों देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब दही। दही को भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें मिलाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है। यहाँ पे मैंने 4 छोटी चम्मच के करीब लिया है कोकोआ पाउडर। बेकिंग पाउडर लेंगे 1 छोटा चम्मच, बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अब हम अच्छे से कट और फोल्ड मेथड की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप चाहें तो दूध भी इसमें मिला सकते हैं। तो ये देखिए बैटर बनकर रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1 छोटा चम्मच के करीब। और इसी पे अब हम डालेंगे चोको चिप्स। ये चोको चिप्स मैंने घर पे बनाए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़े से चोको चिप्स हम इसमें डालेंगे, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो इसे भी आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए केक का बैटर जो है रेडी है बेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है स्क्वायर शेप का, जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब इसमें जो है हम बैटर डालकर इसे अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर शेप ही यूज़ करना है, आप सर्कल केक टिन में भी बना सकते हैं। तो इसे एक बार अच्छे से आप टैप कर लीजिए ताकि ऊपर की सरफेस इवन हो जाए और एयर बबल्स निकल जाएं। तो यहाँ पे ये देखिए इस पैन को मैंने हीट कर लिया है 15 मिनट के लिए। अब हम इसमें रख देंगे एक वायर स्टैंड और उसके ऊपर मैंने केक टिन रख दी है। अब इसे हम कवर करके लगभग 30 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए 30 मिनट्स के बाद इसे आप नाइफ़ की हेल्प से चेक कर सकते हैं। ये देखिए नाइफ़ क्लीन है, मीन्स ये कम्प्लीटली कुक हो चुका है। अब हम बनाएंगे चॉकलेट सॉस। जो चॉकलेट सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन में लिया है 1.5 कप दूध, उसमें हम डालेंगे आधा कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई शक्कर। और इसी में हम मिलाएंगे 4 छोटे चम्मच कोकोआ पाउडर। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे रख दिया है मैंने गैस स्टोव पे। अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम इसे तब तक के लिए रिड्यूस कर लेंगे तब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब जो है हम इसमें मिलाएंगे चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के करीब चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट। इसे मिला दीजिए और तब तक चलाते रहिए जब तक कि जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब जो है हम इसे थोड़ा और गाढ़ा कर लेंगे। देखिए ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी का है। अभी थोड़ा और गाढ़ा करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए ठंडा हो चुका है और ये देखिए चॉकलेट सॉस बिल्कुल बनकर रेडी है। अब जो है ये केक टिन मैंने लिया है, इसमें हम बीच से इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। और अब जो है हम लेंगे एक ग्लास, और या फिर आप राउंड कटर या जो भी कटर आपको चाहिए जिस भी शेप का काटना है आप ले सकते हैं। और इस तरीके से हम इसके सर्कल्स काट लेंगे। तो ये देखिए कितना फ्लफी बना है हमारा केक। इस तरीके से आप सर्कल्स को कट कर लीजिए और एक प्लेट में निकाल के रख लीजिए। तो इसी तरीके से मैं और सर्कल्स भी इसी में से कट कर लूँगी तो इन टोटल यहाँ से 4 सर्कल्स निकलेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए 4 सर्कल्स मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। अब जो है हम एक प्लेट लेंगे, इसमें ये जो हमने रखा है केक इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसमें थोड़ी सी हम चॉको चिप्स डालेंगे और ये देखिए हमारा जो चॉकलेट सॉस है वो हम इसके ऊपर से डालेंगे। तो इस भरपूर भर भर के इसको आपको डालना है, कंजूसी नहीं करनी है ऐसे डालने में। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे
चोको चिप्स फिर से अगेन गार्निशिंग के लिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा यूनिक हमारा जो डेजर्ट है, केक है या पेस्ट्री भी आप इसे कह सकते हैं, बिल्कुल बनकर रेडी है। और अगर आप यकीन मानिए इसे एक बार खा लेंगे ना तो आपको बार बार खाने का मन करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो यार अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड येस डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल बटन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू।